ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଜା बालेश्वर बालेश्वरे बीजेपी केमि तार शक्ति प्रदर्शन गर्छ आज सुदूर उत्तराखण्ड रु पूर्वतन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रा, रावत आज पहचान् एवं विभिन्न जग्गा सभास्थल गर्जेपि रो जो मुद्दा रहेछ जो मेनिफेस्टो नै से प्रचार सहित सीधा आमसित सिधासम्म आलोचना त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी से पहिले तो स्वागत है न्यूज का आज आप प्रचार में घूम रहे हैं खुद जो लोकसभा सांसद है प्रताप सड़ंगी उसके साथ आप घूम रहे हैं कि लोगों का क्या मुद्दा है और लोगों का मूड कैसा है लोगों का मूड बहुत अच्छा है वो विकसित भारत के लिए वोट डालना चाहते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री देश की जनता देखना चाहती है और उड़ीसा राज्य में भी एक बड़ा परिवर्तन करने का मन उड़ीसा के लोगों ने बना लिया है उड़ीसा के लोगों को लगता है कि उड़ीसा की सरकार को उड़िया नहीं चला रहे हैं इसको कोई और चला रहा है ऐसे लगता है कि जैसे सरकार आउटसोर्स कर दी गई है और इससे उनको लगता है कि उड़ीसा की जो अस्मिता है उसको कहीं ना कहीं से आघात पहुंच रहा है क्योंकि उड़ीसा का निर्णय उड़ीसा नहीं कर रहा है तो उड़ीसा का निर्णय उड़ीसा के लोग करें ये उड़ीसा की जनता का मन है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की वो सब देख रहे हैं और इस बार उड़ीसा में बड़ा परिवर्तन होगा भाजपा की सरकार बनेगी निश्चित रूप से जब हम देखते हैं अमित शाह जी आए थे पिछले बार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए उन्होंने बोला जून छः में मुख्यमंत्री जो बीजेपी का मुख्यमंत्री यहाँ पे घोषणा होगा दस में शपथ होगा पर और एक बार देख रहे हैं जो राज्य में बीजेडी सरकार है वो एक निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं कि जून जो दस में बीजेडी सरकार भी एक सरकार बनाएगी और जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है वो शपथ ग्रहण करेंगे नहीं नहीं देखिए उड़ीसा की सरकार ये सरकार निकम्मी सरकार है ये सरकार न उड़िया जानती है न उड़ीसा के लोगों की भाषा जानती है उड़ीसा के लोगों की समझ में आ गया है और इसलिए उड़ीसा में एक बड़ा परिवर्तन होगा चार जून उड़ीसा में कमल खिलेगा और ये वर्तमान जो सरकार जो कूड़े का ढेर हो गई है उसको कूड़े में फेंकने का, का काम करेगी थोड़ा जो सभा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था उड़ीसा में शशिकला सिंड्रोम चल रहा है निश्चित रूप से देखिए यहाँ के जो हालात है भ्रष्टाचार चरम पर है गरीबों को गरीब का पैसा नहीं मिल रहा है बच्चों को बच्चों का पैसा नहीं मिल रहा है कि घर बनना है पीएम आवास योजना तो उसमें भी गड़बड़ हो रही है तो यहाँ पर तमाम तरह के घोटाले हैं और इसलिए मैंने कहा कि उड़ीसा के लोगों को लगता है कि उड़ीसा की सरकार को उड़ीसा वाले नहीं चला रहे हैं बल्कि आउटसोर्स कोई कंपनी चला रही है जब हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी बोला जो उड़िया सबसे ज़्यादा धनी है पर उड़ीसा के लोग ज़्यादा गरीब होते हैं ये क्यों देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि उड़ीसा का जो नेचर ने उड़ीसा को दिया है तमाम तरह के मिनरल दिए हैं नदियाँ दी हैं जंगल दिए हैं खूबसूरत यहाँ का टोपोग्राफी है तो उसका उपयोग उड़िया लोग नहीं कर पाए हैं और इसलिए उड़ीसा के लोग अपने आप को ठगावा महसूस करते हैं निश्चित रूप से जब देखते हैं जो अभी जो निर्वाचन है वो सबसे बड़ा फोकस में है जो जुब जो नया वोटर है जो जुब वोटर है उनको बी सरकार भी प्रलोभित कर रहा है देखिए युवाओं के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ही काम कर सकते हैं महिलाओं के कल्याण के लिए वही काम कर सकते हैं 25 सालों में नवीन बाबू को जवाब देना पड़ेगा कि आपने युवाओं के लिए क्यों क्या किया यहाँ के लोग आज भी मजदूरी करने के लिए और राज्यों में जा रहे हैं देश के कोनों कोनों में जा रहे हैं बर्फीली पहाड़ियों पर यहाँ के लोग जाकर काम कर रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है कि जो ऐसा करना पड़ रहा है अगर यहाँ रोज़गार होता तो फिर उनको इतना दूर जाने की क्या जरूरत होती दो तो हज़ार डबल इंजन होगा निश्चित रूप से उड़ीसा में भी कमल खिलेगा और दिल्ली में तो पहले से कमल खिला हुआ है निश्चित रूप में आपत शुले ये त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी जी की पूर्वतन मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड से मैं कौन कौंभली भावे ओडा जो बजे सरकार पचिश वर्ष धरी रही ताकर जो अपारगता शिल्प क्षेत्र में हो कृषि क्षेत्र होवक मैंने जो दादन खट जा रपारगता गोटेपटे जो गोटे जो मोदी जो विकास जो मोदी जो, जो ग्यारंटी ताकू बर्तमान जो बजेपी विभिन्न जगह प्रचार कर दुई हजार चबिश्रेजे पी दिल्ली मध्य सरकार ओडा कहाँ जो चर्चित कथा तामा मुख्य पूर्वतन आज सेन्ट बालेश्वरू क्यमेरा पर्सन को सह अभिजित दासोर्ट अर्गज न्युज जति आप भिडियो भाग्ला ते च्याने लयर सब्सक्राइब जमा